हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस माय स्ट्रेटजी ऑफ इंटरव्यू एंड व्हाट थिंग्स एडेड रॉन्ग, एंड आप लोगों को किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए या फिर इंटरव्यू में किस चीज़ के लिए आपको कैसे आंसर करना चाहिए. व्हेन आई वेंट फॉर माय एसबीआई इंटरव्यू, हम दो जने साथ बैठे हुए थे. फर्स्ट एक लड़का गया एंड व्हेन ही केम बैक, उन्होंने बोला कि इट्स प्योरली अबाउट बैंक, वो तुमसे सिर्फ बैंक के बारे में पूछ रहे हैं. एंड इट वॉज सो टफ, आई गॉट नर्वस एट दैट टाइम, बट आई कीप काम एंड मैंने एंटर किया विद अ स्माइल. मैंने सबको गुड मॉर्निंग बोला, वहाँ पर 5 मेंबर्स बैठे हुए थे. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आया जो कि था, हु इज़ योर आइडल इन योर लाइफ? नो वन आस्क्ड मी कि अपना मतलब आपका इंट्रोडक्शन दो, आप कहाँ से हो, क्या नहीं हो, किसी ने नहीं पूछा. पहला क्वेश्चन मेरा डायरेक्ट जो आया था वो था, हु इज़ योर आइडल, जिसका मैंने आंसर किया. देन सेकंड क्वेश्चन मेरा रेज हुआ क्योंकि मैं अलवर से हूँ, तो आप अलवर के बारे में कितना जानते हो? सो बेसिकली यू शुड नो कि आप जहाँ से हैं उस जगह के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉट दैट मच, लेकिन हाँ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए. जैसे अलवर में भरथरी पड़ता है, तो उसके लिए मेरे पास सवाल आया था कि भरथरी किसका मंदिर है. आई वॉज़ नॉट एबल टू आंसर, मुझे नहीं पता था, बट मैंने बहुत पोलाइटली मना कर दिया एक गलत आंसर देने के बाद. मैंने कहा सर सॉरी, मैंने कभी इतना जानने की कोशिश नहीं की. फिर मेरे पास क्वेश्चन आया कि आपके पापा आर्मी से हैं, तो विच फोर्स इज़ बेटर, आर्मी नेवी या फिर आप एयरफोर्स के लिए बोलेंगे? सो आई स्टिक टू आर्मी, आई डोंट नो एट दैट टाइम वो सही था या नहीं था, लेकिन येस आई स्टिक टू इट बिकॉज मेरे पापा आर्मी में हैं. देन फिफ्थ क्वेश्चन था, एक मैम की तरफ से आया था, जिसमें मैंने लिखा था मेरी हॉबी जो है वो सिंगिंग है एंड क्राफ्टिंग. तो उन्होंने मुझसे सिंगिंग के बारे में पूछा था कि आप कौन कौन से गाने गाना पसंद करते हैं, या फिर आपको किस चीज़ में कितना इंटरेस्ट आता है, आप क्लासिकल से या फिर कौन से मतलब इंग्लिश सॉन्ग्स पसंद है आपको. तो मैंने वहाँ पे एक उनकी फरमाइश पे एक भजन उन्हें सुनाया था. सो हाँ, ये थोड़ा सही था क्योंकि अगर आप कोई और हॉबी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट लिख रहे हैं, तो क्रिकेट में देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्रिकेट स्टेडियम का साइज़ हो सकता है, पिच का साइज़ हो सकता है, बैट बॉल एंड सो मच थिंग्स आर देयर. अगर आप उसके बारे में कम्प्लीटली नहीं जानते हैं, तो ऐसी कोई हॉबी नहीं लिखनी चाहिए जो आप आंसर ना कर पाएँ. मेरा फिफ्थ क्वेश्चन वापस से मेरे फैमिली बैकग्राउंड से आया था, सॉरी इट वॉज माई सिक्स्थ क्वेश्चन. एंड उसके बाद एक या दो क्वेश्चन मुझसे बैंक के बारे में पूछे गए थे, जैसे कि NPA क्या होता है, अगर आप बैंक में हैं और कोई कस्टमर आपसे नाराज़ है या फिर वो चिल्ला रहा है, व्हाट यू विल डू, मतलब सिचुएशन टाइप क्वेश्चंस मेरे पास 3-4 आए थे. बट एट लास्ट जब मैं इंटरव्यू रूम से बाहर निकली, तो एवरीवन हैड अ स्माइल ऑन देयर फेस. तो उस चीज़ से आई वाज श्योर कि हाँ मेरा इंटरव्यू काफ़ी सही गया है. सेम थिंग मेरे साथ IBPS PO में हुई. जब मैं वहाँ गई, तो वहाँ पे मेरे साथ और भी काफ़ी लोग थे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैनल्स थे, क्योंकि SBI में हम लोग गए तो वहाँ पे सिर्फ 2 पैनल चल रहे थे और वहाँ पर एटलीस्ट 8 पैनल्स थे हमारे पास. क्योंकि मैंने BTech कर रखी है, तो मुझसे BTech के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे इलेक्ट्रिकल से, कि मीटर के बारे में बताइए या फिर जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है उसके बारे में बताइए. तो जो जो मुझे आता था मैंने उनका जवाब दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. जो मुझे नहीं आता था मेरे टेक्निकल बैकग्राउंड से, मैंने उसके लिए सीधे मना किया. फिर एक सर ने मुझसे वहाँ पर पूछा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है. जब मैंने उसका आंसर दिया, तो उन्होंने मुझसे उसी चीज़ पे वापस क्वेश्चन किया. जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन इज़ मतलब दो लोगों के बीच में होता है, जब दो जने बात कर रहे हैं एक दूसरे से, अपने थॉट्स शेयर कर रहे हो. तो उन्होंने मुझे वही वापस पूछ लिया कि इस कम्युनिकेशन को क्या कहते हैं जब दो जने इन्वॉल्व हो और जब एक जना इन्वॉल्व हो. तो मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो ध्यान रखें कि आपसे उसी क्वेश्चन से या फिर आपके उसी आंसर से कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है. मैम ने वहाँ पे मुझसे कुछ मतलब बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, जो न्यू चीज़ें आई थी, बट मुझे नहीं पता था. इवन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी हुआ है कुछ पिछले दिनों में. सो मैंने उस चीज़ के लिए सिंपली नो बोला कि मुझे नहीं आता. और फिर वापस से वही, फैमिली, योर इंट्रोडक्शन, वाई यू आर ज्वाइनिंग बैंक, और ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका मैंने बहुत पोलाइटली आंसर किया. तो जब मैं दोनों इंटरव्यूज़ बाहर देके आई, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि योर कॉन्फिडेंस मैटर्स.
योर स्माइल ऑन योर फेस मैटर्स. ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ आए, हर चीज़ किसी को भी नहीं आती. अगर आपको नहीं आ रहा है पोलाइटली से नो. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर नर्वस हो रहे हैं तो कीप अ स्माइल ऑन योर फेस. डोंट शो देम दैट यू आर नर्वस. सब नर्वस होते हैं. अगर आप उन्हें शो भी कर रहे हैं डोंट जस्ट जैसे मैं अभी कर रही हूँ कि नहीं मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए. डोंट डू दैट. अपनी ड्रेसिंग का ध्यान रखें. अगर आप वहाँ पे ओवर ड्रेस होके जाएंगे तो उन्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा. योर पर्सनैलिटी शुड बी गुड. आपका नेचर जो है वो आपको 5 या 6 मिनट में पूरा जज कर लेते हैं दैट येस यू आर राइट फॉर द बैंक और नॉट. तो अपनी चीज़ों को कामली लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, बस ट्रुथफुल रहें वहाँ पे. अगर आता है तो से यस, नहीं आता है तो से नो. अपने जो आप लोग वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर के लिए जा रहे हैं तो हाँ उस चीज़ का थोड़ा बहुत पता करके जाइए. सिटी यूनियन बैंक के बारे में पता करके जाइए कि सिटी यूनियन बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, चेयरमैन कौन है, कितनी ब्रांचेज हैं. छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए अपनी प्लेस के बारे में, बैंक के बारे में, आपके वर्क के बारे में कि आपसे क्या काम करवाया जा सकता है. एक आपका आंसर होना चाहिए. यू विल गेट वन फ्रॉम देम ऑल्सो कि आपको हम ये काम भी देंगे. सो बी प्रिपेयर्ड. वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कल को अगर आपको कोई और जॉब ऑफर होती है तो यू विल टेक इट और नॉट. सो सिंपली से कि सर आई विल डू बेस्ट फॉर मी, आई विल गो फॉर बेस्ट. तो बस डोंट जस्ट एक्सप्लेन देम कि क्यों और क्या या कैसे. Just do it in your own way and all the best for your interview. Thank you.